Hari. लेकिन तो जगदम्बा वो चंद्रवंश का बीज है ना? है, चंद्रवंशियों का बीज है। लेकिन ये 108 में अगर काउंट करेंगे तो, गिनती करेंगे तो पहली 12 सूर्यवंश और चंद्रवंश का मुस्लिम इस्लाम ऐसी बहुत ही क्रिश्चियन ऐसे ऐसे आते हैं ना बाबा, नौ ग्रुप है, नौ ग्रुप। तो लास्ट जो मन का जो है वो आर्य समाज की लास्ट मन का होता है ना बाबा? हाँ जी। वो कैसा जगदम्ब, जब जगदम्बा नजदीक है तो ये मतलब नहीं है बाबा, जो धर्म जितना पहले है उतनी ही ऊंचाई पर उसका ग्रुप रहेगा। माला में भी सूर्यवंश और चंद्रवंश सबसे ऊंचे हैं, इसलिए उनका ऊपर स्थान है और धर्म वालों के स्थान नीचे की ओर है, इसलिए लास्ट मणका होने पर भी बाप के सबसे जास्ती नजदीक है। जैसे फर्स्ट मणका जहाँ तक संपन्नता का गाय नहीं है, लेकिन प्रजा जो अंतिम जन्म की प्रजा है, सारी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी उन सब का पिता है। प्रजापिता पतित का नाम है, जो पावन आत्माएं होती है उनके मुंह से गालियां आदि नहीं निकलेंगी। शास्त्रों में प्रजापिता के मुख से तो गालियां दिखाई गई और वो भी भगवान को गालियां देता है, तो कितना पतित हुआ। प्रभुता पाए काहे मदनाए हैं, और बात यही बात जो प्रजापति का हो यानी राम वाली आत्मा का हो, वो कोई शुरू को निंदा करेंगे तो सहन नहीं कर सकती है, है? राम वाली आत्मा को यानी प्रजापति प्रजापिता आत्मा जो है ना बाबा, है तो कोई शिव को निंदा करेंगे तो वो सहन नहीं कर सकते हैं ना बाबा। वो सतो प्रधान स्टेज है, संगम युग की चढ़ती कला की स्टेज है, और प्रजापति अंतिम जन्म की पतित तमो प्रधान स्टेज है प्रजापति। हाँ जी। और शास्त्रों में तो जो प्रजापति जो निरीश्वर याग किया ना बाबा, निरीश्वर याग ईश्वर का याद जो शास्त्रों में जो कहानी है ना बाप, है निरीक्षर याद किया है, और उसमें जो शंकर का ना उनका पति सती जो है वो उसका अपमान हुआ, वो अपने आप को यात्री में स्वाहा हुआ, और जो शंकर की जटाई से जो वीरभद्र आया वो प्रजापति की सिर को काट दिया, ये कब का बात है? विनाश का कार्य और स्थापना का कार्य साथ साथ चलता है या आगे पीछे चलता है? साथ साथ चलता है, साथ साथ चलता है। तो जैसे ही एक तरफ स्थापना होती है, दूसरी तरफ रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला भी निकलती है। यज्ञ कुंड से स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला भी प्रकट हुई, ये यज्ञ के आदि की बात है। तो जो आदि में सो अंत में होगा,
विराट रूप में होगा। आदि में है बीज और अंत में है पूरा झाड़, इसलिए अंतर पड़ जाता है। और प्रजापति का काट सिर काटता क्या? सिर में आत्मा रहती है, आत्मा को देह अभिमान से अलग कर देना। परंतु शास्त्रों में दिखाया है कि भल सिर धड़ से अलग कर दिया, आत्मा को जुदा कर दिया, सिर्फ देहभान रह गया, वो भी पूरा मृत नहीं दिखाया है, फड़कता रहता है। अर्थात प्रजापिता की आयु इस सच्ची चक्र में 5000 वर्ष है, ये दिखाने के लिए ये देह अभिमान अंतिम जन्म तक भी स्थायी दिखाया गया है। और जब विष्णु की बात आती है तब पुरुष रूप दिखाते हैं, वैसे भी कोई स्त्री रूप भी दिखाते हैं, लेकिन विष्णु विष्णु जब विष्णु की बात आती है पुरुष रूप फिर आगे दिखाती है, और महालक्ष्मी जब महालक्ष्मी की बात आती है स्त्री रूप आगे दिखाती है। महानारायण भी दिखाते हैं, नारायण भी है तो महानारायण भी है, ब्राह्मण है तो महाब्राह्मण भी है। और लक्ष्मी है तो महालक्ष्मी भी है। महालक्ष्मी तब है जब रुद्रमाला का बीज रूप मन का स्वभाव संस्कार से समान बन जाए। तब लक्ष्मी से बदलकर महालक्ष्मी रूप हो जाता है। वैष्णवी और जगन्नाथ की संस्कार एक हो जाए, दोनों मिलकर के एक हो जाए। अब जब विष्णु के रूप में तो पुरुष के रूप में दिखाते हैं, उसमें तीन पुरुष कहना वर्तमान तो बाप है और ब्रह्मा और जगदम्बा, ये तीनों पुरुष का है बाप है विष्णु रूप में। जगदम्बा स्त्री चोला है बाप, संस्कार तो पुरुष है, स्त्री चोला होते हुए भी आत्मा अनेक जन्मों की पुरुष चोला धारण करने वाली है, लेकिन बात तो इस जन्म की है ना, लास्ट जन्म की बात है, इसलिए स्त्री चोला का स्वभाव और संस्कार अंतर जरूर पड़ेगा, क्योंकि बोला है पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है और स्त्रियां कोई कोई हैं जो सुपन खाए पूतनाए हैं, नहीं तो सब स्त्रियां पार्वतियां हैं, सीताएं हैं, द्रौपदियां हैं। ये अंतर हो जाता है। चोले का बड़ा भारी फर्क पड़ता है, नहीं तो जगदम्बा भी लक्ष्मी पद प्राप्त करती, जगदम्बा भी नारी से लक्ष्मी बन जानी चाहिए, लेकिन लक्ष्मी नहीं बनती, महालक्ष्मी पद निश्चित हो जाता है। पुरुष के संस्कार ज्यादा है, पुरुष के संस्कार ज्यादा है स्त्री चोला होते हुए भी। तब वो बाबर में ज्यास्त्री पुरुष जन्म लेना है ना जगदम्बा, क्योंकि रुद्रमाला का मणका है, रुद्रमाला के जो भी मणके हैं उनकी आत्माओं में पुरुष वृत्ति के अनेक जन्मों के संस्कार है, विजयमाला के मुकाबले
इसलिए आखिरी मण का होते हुए भी पुरुष जन्म विजय माला के मुकाबले जास्ती लेगी। कंट्रोलर के स्वभाव संस्कार है, कंट्रोल्ड होने वाली नहीं है, कंट्रोल करने वाली है। बाकी तो जो है लक्ष्मी और सरस्वती जन्म सरस्वती वो दोनों जास्ति से तीन जन्म रहते हैं, विष्णु रूप में ये तीनों पुरुष जन्म रहते हैं, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। जगदम्बा तो प्रवेश करने वाली चंद्रवंशी शुद्ध आत्मा है जिसे ओम राधे नाम दिया गया है, वो चंद्रवंशी की है, स्त्री चोला भी है और स्त्री स्वभाव संस्कार भी है, ब्रह्मा को पूरा पूरा फॉलो करने वाली है। जगदम्बा का पाठ जगत पिता को पूरा फॉलो करने का नहीं है। नहीं हाँ जी, और मेरे न फूल तो कान पान से संग करे दोस्ती कर ली, दोस्ती है मतलब तो रुद्रमाला में बाबा को विजय माला की आत्माएं नहीं मिली, पवित्र आत्माएं नहीं मिली, तो जो जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, पतित स्वभाव संस्कार वाले हैं, पुरुष चोला धारण करने वाले हैं, ऐसे दुर्योधन दुशासन के स्वभाव संस्कार वाली आत्माओं से दोस्ती कर ली, उनको ऊंचते ऊंच पद दिलाने के लिए। ऊंचे से ऊंचा पद है राजा का, उसके बाद रानी का पद आता है। अब जिससे दोस्ती कर ली तो दोस्ती तो निभानी पड़े। लेकिन जो मौसम है ना बात सूर्यवंशी तो ऊंचकोट की है, सूर्यवंशी में माना अष्टदेव जो होंगे, अष्टदेव की दूसरी माँ का जो जिसको बाप बाप ने जो अनुसूय कहा और काशी का वो इसमें जिसमें जितना प्यूरिटी होती है वो प्यूरिटी और तीन जो लक्ष्मी में नहीं है और जगदम्बा में नहीं है गंगा, ठीक है, तो इतना पवित्र आत्मा मिली है ना बाप बाप को है, दूसरी दूसरी माँ का जो अनुसूया है पवित्र आत्मा है ना, वो लक्ष्मी से जो पवित्र आत्मा है ना, ठीक है मिली है ना, तो सब दुर्योधन दुशासन कैसा हुआ सर, तुम्हारा सब दुर्योधन दुशासन कैसा हुआ, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है ना, है पवित्र आत्मा, लेकिन स्वभाव संस्कार जब 100% की स्टेज में पहुंच जावेंगे, रुद्रमाला के स्वभाव संस्कार 100% को पकड़ेंगे या नहीं, अब नहीं है ना सब, अभी तो अधूरी स्टेज है, जब संपूर्ण स्टेज बनेगी रुद्रमाला के मणकों की तो पुरुष पक्के स्वभाव संस्कार वाले हो जाएंगे या कंट्रोल्ड होने वाले स्त्रीत्व के संस्कार रहेंगे, तब दुर्योधन दुशासन का संस्कार आएगा, संस्कार जरूर आ जाएंगे, नहीं तो लक्ष्मी का पद क्यों नहीं बन जाता है? इतनी प्योरिटी है तो रुद्रमाला का मणका है, बाप का कंट्रोल में नहीं रहते हैं, बाप का कंट्रोल में नहीं रहती है, दूसरे मणका वाचा से नहीं रहेंगे, वाचा से रहेंगे, कर्मणा से रहेंगे, मनसा को तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, मनसा में अगर हीन भावना आ जाती है, मनसा में अगर डिप्रेशन आ जाता है तो उसे क्या कहेंगे, कंट्रोल में है या कंट्रोल से बाहर है, हो गया। लेकिन बाप कहते ममना हो मन मुझे तो डुबो डुबो ऐसा कह दिया ना बाबा, तो वो अष्टदेव है नहीं कर सकते, कर नहीं सकते बाप के मन में उसका मन ये कर नहीं सकते, कि जब बाप परसेंटेज है ना, जो मेरे मन में डूब जा, जो परसेंटेज प्रजापिता की होगी वो दूसरे मणके की हो जाएगी क्या, इतना नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी,
तो परसेंटेज में अंतर पड़ गया, इसलिए नंबर में अंतर पड़ गया। और जगदम्बा को दूसरी सीता कहा है, है? जगदम्बा जी है उसको दूसरी नंबर सीता कहा गया, दूसरी नंबर सीता जगदम्बा, दूसरी नंबर सीता हुआ ना, दूसरी नंबर सीता हुआ ना, तो ये तुम पावक में करो निवास है तब मैं करूँ असुरों का निवास, ऐसा लेना बाबू पहले नंबर की सीता के लिए बोला, पहले नंबर वो पहले नंबर सीता भी रावण की कंट्रोल में ना, अभी लक्ष्मी है है। लेकिन कंट्रोल में रहते हुए भी अगर मन एक में लगा रहे तो पहचान में अभी तक तो पावक में है या पावक से बाहर है, लेकिन ये समय की बात है ना, अभी तक वो वैष्णवी जो है वो एक को पहचाना नहीं, कौन है ज्ञान के आधार पर नहीं पहचाना, साक्षात्कार के आधार पर, भक्त के आधार, भक्ति के आधार पर, मैंने वो उसका रूप उसको साक्षात्कार में आता है ना बाप, तो पक्का है कि मैं नारायणी बनूंगी, नारायणी बनेंगी, मेरा ही पद लक्ष्मी का है और लक्ष्मी का तब है जबकि विधवा नहीं है, लेकिन उसका नारायण का रूप वो उसको चरण में आती है, निश्चित रूप से अगर नहीं आएगा तो वो प्योरिटी आ ही नहीं सकती, क्योंकि बोला है साकार उपासी जो है वो चरित्रवान होंगे और निराकार उपासी चरित्रहीन, तो जगदम्बा के मुकाबले लक्ष्मी का टाइटल, लक्ष्मी का पद, लक्ष्मी की प्योरिटी कुछ अलग हो जाती है। इस समय ये कह सकते हैं बाप वो पहले नंबर सीता पावक में, माने योग की पावक में नहीं, योगाग्नि, योगाग्नि, योगाग्नि में है अभी, साकार में निराकार याद आए, न चाहते हुए भी निराकार जो है, न चाहते हुए भी कि हम साकार को याद नहीं करेंगे तो भी याद आए। और बाप कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करो और मेरी बात सुनो, अभी ब्रह्मा अभी तक अपने आप को गीता की भगवान समझ रहे हैं और देहाभिमान, ब्रह्मा सूक्ष्म शरीर का नाम नहीं होता, ब्रह्मा साकार शरीर का नाम है या सूक्ष्म शरीर का नाम है, साकार शरीर का नाम, तो साकार में जब तक था उस साकार के चरित्र को फॉलो करना है, उनके साकार कर्म इंद्रियों से किसी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं देखा जो श्रीमत के बरखिलाफ हो, लेकिन प्रैक्टिकल उसमें देखना और सुनना में असर पड़ता है, कर्मों में फॉलो करने की बात आती है, प्रैक्टिकल जब देखते हैं उसका असर ज्यादा होता है लेकिन बुद्धि से खींचा भी जाता है, गांधी जी को किसी ने देखा नहीं है, गांधी जी को किसी ने देखा नहीं लेकिन गांधी जी को याद नहीं करते, उनके चरित्र को याद नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन इतना प्रभाव नहीं होता है, इतना प्रभाव नहीं होता ना, जो उसको साकार रूप में देखा और नहीं देखा सिर्फ चरित्र सुना, हाँ दोनों में अंतर हो रहे हैं, हाँ तो जिन्होंने देखा है उनका चरित्र भी अच्छा होता है ना, रुद्रमाला के मणकों का चरित्र अच्छा होता है, यह विजयमाला के मणकों का चरित्र अच्छा होता है, इसका चरित्र अच्छा होता है, विजयमाला, हाँ विजयमाला का अच्छा होता है, क्योंकि उनमें से मोस्टली ऐसे निकलेंगे जिन्होंने ब्रह्मा को देखा है, और अष्टदेव है, अष्टदेव को अंतिम जन्म कौन सा मतलब है, राम बाप की
84 जन्म की मना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जन्म मिला ना था, 41 शरीर छोड़ा और उस समय 60 साल की आयु है और वो 40 की याद करेंगे तो 1976 में पूरा हो जाते हैं ना, 1976 में 100 साल पूरा होते हैं माना जो जो साकार बाप है। हाँ जी, वो अष्टदेवों को अंतिम जन्म में तो बाप से विरोध होती है, अष्टदेव भी विरोध होता है, इसीलिए तो दूर हो जाते हैं। अगर विरोध ना हो तो नजदीक होना, हाँ बाप, आज से ही नजदीक होना चाहिए, लेकिन आज से नजदीक नहीं होते हैं, कितना वास्ट अंतर पड़ जाता है। कहाँ बाप 76 से नजदीक होना है, और कहाँ जो दूसरे अष्टदेव अष्टदेवों में से सात हैं वो 91-92 से शुरू होते हैं, तब तक बेसिक ज्ञान में भी नहीं। मतलब 36 में तो बाप का नजदीक है नहीं, मूल जन्म में थे, फिर अगले जन्म में पीछे रह जाते उस समय के लिए। हाँ जी, आखिरी आदि में जो शूटिंग हुई है 10 साल में पूरे ड्रामा की, उसमें वो बिछड़ गए या नहीं बिछड़ गए? बिछड़ गए, वो जब बाप उसे बाहर आया और उससे साथ मस्ते हो गए तो बिछड़ गए, तो वो ही बिछड़ने की शूटिंग अंत में फिर होती है, भले थोड़े समय के लिए हो। अरे रख दो भाई, देखेंगे। नर बैगर भी हो सकता है, नर राजा भी हो सकता है, नर माने मनुष्य, नर माने आदमी, नारी माने स्त्री, ये दोनों अभी समय का गायन, संगम के गायन। हाँ, संगम में आखिरी स्टेज में 84 में जन्म की आखिरी स्टेज में जो नारायण बनने वाली आत्मा है वो फुल बेघर होनी चाहिए, बेघर, बेघर भी कह दो, बेघर भी कह दो, बेघर की परिभाषा मुरली में दी है, बेघर के पास तो कुछ भी न हो, धन पद मान मर्तबा कुछ भी नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं। 76 के पहले की बात है, हाँ जी, 76 से लेकर के 77 तक फुल बैगर। लेकिन तो बाप तो विश्व महाराजन बनने वाला है, बाला है तो नहीं, बाला है और है में तो बहुत अंतर है, बनने वाला है वो भविष्य की बात हो गई। लेकिन प्रिंस कहने में क्या मतलब है? बेगर, बेगर टू प्रिंस, हाँ, ये रास्ता है पुरुषार्थ का, पहले प्रिंस ये पुरुषार्थ का रास्ता है, दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली से चले चलते 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 फिर टू कोलकाता, ये पुरुषार्थ की लंबी डगर है, लंबा रास्ता है, वो रास्ता 10 साल में पूरा होता है। कब से बना? प्लान कितने साल का है बैगर टू प्रिंस का? बस
जगत को विष्णु महाराज बीच की स्टेज है। विष्णु महाराज अलग बात, प्रिंस अलग बात, प्रिंस किस रूप है बात? प्रिंस कहा जाता है राजा के अधीन, राजकुमार राजा के अधीन, और महाराजा या राजा अधीन नहीं होता किसी। लेकिन महाराज कौन? प्रिंस है, लेकिन एक के ऊपर आधारित है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ऐसी स्टेज है, सब कहेंगे एक का प्रिंस। लेकिन शिव बाबा को राजा नहीं कहेंगे ना? शिव बाबा कोई के द्वारा पार्ट बजाता है, बजाता है। हाँ जी, तो कोई है ब्राह्मणों की दुनिया में पार्ट बजाने वाले विदेशी, जो सीढ़ी की चित्र में नीचे दिखाए गए हैं विदेशियों के रूप में, वो उस बैगर को पालना करने के लिए कुछ न कुछ देते हैं, लो अपना खर्चा चलाओ। इस्लामिक क्रिश्चियन है, इस्लामिक क्रिश्चियन। हाँ जी, तो वो परवरिश करने वाले हो गए आखिरी जन्म में। नाम भी दे दिया है भरत, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरता सो होई, भरत अर्थात भरण पोषण करने वाला। क्या सारे विश्व का भरण पोषण किया? नहीं, बाप को किया। या विश्व महाराज ने क्या किया? सारे विश्व का जो पिता बनने वाला है, पिता के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला है, उस बीज का भरण पोषण किया, तो सारे को, इसलिए वो भरत कहा गया। सारे विश्व का तो भरण पोषण नहीं किया, लेकिन सारे विश्व बाप में है ना बाप। हाँ जी, बीज में सारा विश्व समाया हुआ है। जो पैदाइश की बात है, वाइब्रेशन से सबसे ऊंची प्रक्रिया है पैदाइश। हाँ जी, और दूसरी है विद्या, जो संचित में ब्रह्मा संस्कृति जो प्यार है उसको, वो दूसरी है। और तीसरी है जो त्रेता में बाहु तक आती है ना बाप। हाँ जी, इस तीनों में, तीनों में सबसे ऊंची है वाइब्रेशन, संगम की लक्ष्मी नारायण जो जन्म लेते हैं ब्रह्मा संस्कृति, वो ऊंच इसलिए है कि नीची इंद्रियों से कनेक्टेड नहीं है। कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां फिर भी नीची है, लेकिन ग्यारहवां जो मन इंद्रिय है वो दसों इंद्रियों से ऊपर है। दस इंद्रियों का राजा है, कंट्रोलर है, मन है। वो जब मुखवंशावली का है ना बाप, तो बच्चों निकलती मुख से निकलती है ना, तो पैदाइश बात आती है। अभी जो दृष्टेंद्रियन द्वारा हो रहा है, क्योंकि दृष्टेंद्रियन में संपर्क हो रहा है, लेकिन सचिव में ये तीन प्रक्रियाओं द्वारा ही मुख से आता है, निकलता है बच्चे का। तीन प्रक्रिया का ही मना, तो पहले तो वाइब्रेशन से बच्चे पैदाइश होते हैं। वो सचिव में नहीं रहता, सचिव में मुख की प्यार होती है, सो मुख से भी आता है ना बाप, निकलते हैं ना। मुख में इंद्रियां मुख्य हैं, आंखें, इसलिए मुख कहा गया। मुख का मतलब ये नहीं है कि मुख से पैदाइश होती है, दृष्टि से पैदाइश है पहली। मतलब नेत्रों द्वारा ही बच्चे निकलते हैं बाप? नेत्रों द्वारा बीजारोपण होता है, निकल बीज है, बीज चाहे कोई भी इंद्रियों से निकलता है। श्रेष्ठ इंद्रियों से निकलता है तो श्रेष्ठ पैदाइश। जो वाइब्रेशन की पावर से जो पैदाइश की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में इस इंद्रियों से बच्चे बाहर निकलते हैं। वो जरूरी बात
बात नहीं है पकड़ने की कि कहाँ से निकलते हैं, नाक में से निकलते हैं कि कान में से। बच्चों की पैदाइश होती है, बच्चों की पैदाइश तो जहाँ से होती है वहीं से होगी। ऐसे नहीं कि आंखों से पैदाइश हो जाएगी, लेकिन बीजारोपण की बात बताई। बीजारोपण से बाहर निकलते हैं वो जरूर नहीं है। हाँ जी बाबा, राम सामुदाय में राम संप्रदाय में राम को फॉलो करो तो राम जैसा, राम का संप्रदाय। अरे दो पालाएं हैं, एक रावण की पाला एक राम की पाला, रस्सा कसी हो रही है। कभी रावण खींच लेता है, कभी राम का संप्रदाय खींच लेता है। तो राम के संप्रदाय में राम की ओर खींचेंगे कि रावण की ओर खींचेंगे? हैं? राम की ओर खींचेंगे तो राम संप्रदाय, और रावण की ओर खींचेंगे तो रावण संप्रदाय। राम को फॉलो किया तो राम संप्रदाय, और रावण को फॉलो किया तो रावण संप्रदाय। राम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो राम संप्रदाय, और एक को छोड़ करके अनेकों की मत पर चलेंगे तो रावण संप्रदाय। एक से सदगति और अनेकों से दुर्गति। हाँ जी, मेरे भाई से देखना होगा कृष्ण बच्चे के लिए तेरे भाई समझा बता। पूरा फिक्रा क्या है? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। तो तेरे जब शब्द कहा जाता है तो निराकार को कहा जाता है, आकार को कहा जाता है, या तेरे साकार को कहा जाता है? साकार को तो कौन है वो साकार कि जिसकी चढ़ती कला ही लगातार जब होती है, गिरती कला खत्म हो जाती है तो सबका भला हो जाता है। ब्रह्मा जिसमें प्रवेश बोलने वाला कौन है? ये फिकरा देने वाला कौन है? किसने बोला? शिव बाबा ने बोला। शिव बाबा तेरे किसको कहता है? तो जो सामने रहते हैं उसको तेरे एक के लिए कहा जाता है। तेरे मीन्स दाऊ, एक के लिए रहते हैं। एक के लिए कहा जाता है तो वो एक कौन है जिसकी लगातार चढ़ती कला होगी तो सर्व का भला हो जाएगा। लगातार चढ़ती कला, लगातार कंटिन्यू, नीचे नहीं। लक्ष्मी जैसे ग्राफ दिखाते हैं ना, ग्राफ कभी नीचे आता है कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है कभी ऊपर जाता है, तो नीचे आने की बात ही नहीं, लगातार चढ़ती कला है। जो बार बार अनिश्चय अनिश्चय की चक्र में आती है उसकी, वो तो सारे ही हो गए। एक को छोड़ करके और बाकी सब निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं। अब जब सब सारे ही निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते हैं तो उनसे एक बगा हुआ है।
तो बंधे हुए होने के कारण उसको भी बच्चों की वजह से बाप दादा ऊपर नहीं जा सकते, दादा की वजह से बाप भी रुका हुआ है। बाप चाहे तो वापस जा सकता है, लेकिन दादा से बंधा हुआ है, और बाप दादा दोनों बच्चों से बंधे हुए हैं। तो पहले दादा के उद्धार होना है, इसलिए एक है जिसकी चढ़ती कला होगी तो सब की चढ़ती कला हो जाएगी। अब वो एक है आकारी, उसकी बात ही नहीं। तो साकार में जिसमें प्रवेश करके पाठ बजाता है उसके ऊपर सारी बात आ जाती है। जगदम्बा की नहीं, जगदम्बा की बात नहीं है। जगदम्बा को तेरे नहीं कहा जाएगा, तेरे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तेरे या तेरी, तेरी तेरे तेरे तो पुल्लिंग हुआ, पुल्लिंग हुआ, तेरी हुआ स्त्रीलिंग। तेरे शब्द तेरी बुद्धि में, बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी, तो तेरी तेरी कौन हुआ? तेरी तो स्त्रीलिंग होती है ना बाबा, तेरी कोई भी बच्चा है तो उसको कहा जाएगा तेरी बुद्धि, बुद्धि के लिए बोला गया इसलिए तेरी है। तो जरूर प्रजापिता मन नहीं बोला गया, तेरा मन, मन है पुल्लिंग तो तेरा कहा जाएगा, बुद्धि है तो स्त्रीलिंग इसलिए तेरी कहा गया। तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। हाँ, तो उसका भला सबका मन है, तेरे बहाने सर्व का भला, तेरी जब चढ़ती कला लगातार होगी तो सर्व का भला हो जाएगा। अब लगातार उसका ये कंटिन्यू चढ़ती कला होते, जब लक्ष्मी आते तो अभी होगी नहीं तो चढ़ती कला होगी भी नहीं। नारायणी है प्रैक्टिकल में तो नारायणी नशा भी होगा, नारायणी है नहीं, अकेले शिव को याद किया तो कंटिन्यू तो नहीं रहेगा। अरे साकार में निराकार अच्छा याद आएगा, सहज याद आएगा, निरंतर याद आएगा, कि सिर्फ निराकार निरंतर याद आएगा? आकार में निराकार है, आकार में निराकार, साकार में निराकार चाहिए, तो वो साकार कौन है? विष्णु। और भाई का प्रश्न है, काकीनाडा कृष्णमूर्ति भाई का, त्रेता के अंत में जब मतलब स्वर्ग नष्ट होते हैं ना, ध्वंस होती है, आधा विनाश होती है ना, बाबू है एक संधि, उसका भी एक संधि होती है, एक संधि होती है ना बाबू, तो त्रेता के अंत में 10 करोड़ की आबादी होती है, है 10 करोड़ की आबादी होती है, हाँ जी, तो जब आधा विनाश होगा 5 करोड़ नष्ट हो जाएगा ना बाबू, हाँ, तो उस कैसा होगा उसका तो विस्तार रूप में जाने के लिए कम पाएगा, कौन बचेगा कौन नष्ट हो जाएगा, पांच करोड़ में वो ही बचेंगे जो श्रेष्ठ वंश के सूर्यवंशी या चंद्रवंशी होंगे अथवा इस्लाम वंशी होंगे, इस्लाम वंशी को भी श्रेष्ठ वंश कहते हैं, इस्लाम वंशी को भी श्रेष्ठ, क्योंकि वो बच्चे बनने वाले हैं। जो इब्राहिम है या मान लो जैसे महात्मा बुद्ध आया तो बुद्ध सिद्धार्थ में आवेगा, सिद्धार्थ कोई नारायण वाली आत्मा है, सात नारायण, सात नारायणों में से वो नारायण का ग्रुप
बाद वाला नारायण है, इस्लाम के बाद। हाँ जी, पहले पहले कौन सा नारायण है विधर्मियों में? इस्लामी। इस्लामी, इसलिए वो जीवित होना चाहिए, तभी उसमें प्रवेश होगा। पूरी वंशपरा होनी चाहिए, जैसे सिद्धार्थ का बाप वो भी मौजूद हो, सिद्धार्थ का बाबा भी मौजूद हो। तो बाबा कौन हुआ? वो तो प्रजापिता हुआ। प्रजापिता हुआ, प्रजापिता का बच्चा कौन हुआ? शुद्धोधन। शुद्धोधन, शुद्धोधन का बच्चा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही इस्लाम धर्म की स्थापना होनी है, तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली जो भी आत्माएं हैं वो सब जीवित रहनी चाहिए, पावरफुल आत्माएं हैं विधर्मियों के बीच में। वैसे भी नियम क्या है, जो पहले मरेगा वो पहले जन्म लेगा, या जो बाद में मरेगा वो पहले जन्म मिलेगा? पहले मरे तो इस्लामी पहले मरेंगे। मुरली में क्या बोला, जब विनाश होगा तो पहले कौन मरेंगे? इस्लाम ही मरेंगे। तो पहले जन्म किसने लिया होगा? इस्लामी। विधर्मियों के बीच में पहले पहले इस्लामियों ने ही जन्म लिया होगा। तो उनको अर्ध विनाश में जीवित रहना चाहिए, ताकि इस्लाम धर्म की स्थापना हो सके। ऊपर से आने वाली इस्लाम धर्म की आत्माएं इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वालों में प्रवेश कर सकें। बाबा गंगे भी ब्राह्मण बनेंगे हैं? गंगे भी ब्राह्मण बनेंगे संगम में? हाँ जी। कैसा? बन नहीं रहे अभी, ब्रह्मा है तो ब्राह्मण बनेंगे, ब्रह्मा नहीं तो ब्राह्मण नहीं। और ब्रह्मा अधूरा है कि संपूर्ण है? अधूरा है। कब तक है अधूरा? ब्रह्मा सो विष्णु कब बनेगा? एक क्षण है, एक सेकंड है। एक सेकंड है, वो सेकंड कब? दो सेकंड कब आएगा? 2018 में आएगा। तो 2018 तक ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा, तो तब तक ब्राह्मण बनेंगे। विष्णु बन गया तो ब्रह्मा तो खत्म हो गया, फिर नंबर किसका लगेगा? फिर ब्राह्मणों का नंबर खत्म। देवता ब्राह्मण जो बनने वाले थे बन गए, अब उनको पुरुषार्थ करना है। जो ब्राह्मण बन गए, जो ब्राह्मण बन गए पुरुषार्थ करके इतनी ऊंची कोटि पे जाना है जो 84 जन्म लेने वाले ब्राह्मण बने, 4.5 लाख की स्टेज में आ जाए। ब्रह्मा सो विष्णु बने कैसे? ब्रह्मा सो विष्णु बने। ब्रह्मा है कौन अभी? अभी ब्रह्मा कौन है? अरे अभी ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा से विष्णु बनने वाला। अरे ब्राह्मण है कि नहीं, अभी निकल रहे हैं कि नहीं? ब्राह्मण बन रहे हैं या नहीं बन रहे? नहीं बन रहे हैं, तो बिना ब्रह्मा के बन रहे हैं। वो ब्रह्मा कौन है? अरे इसका प्रवेश जो प्रैक्टिकल ब्रह्मा की बात बताई के लिए हो गए, ब्रह्मा की बात कर रहे, ब्राह्मणों की बात कर रहे, तो जिसकी बात कर रहे उसके बारे में पता नहीं है कौन है ब्रह्मा? बड़ी माँ है, बड़ी निश्चय पत्र में लिख करके भी दे दिया है। प्रैक्टिकल रूप में जो ब्रह्मा पाठ बजाया
और शरीर छोड़ा और जो शरीर को प्रवेश करके माँ की रूप में बात कर रहा है बजा रहा है वो हुआ ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा हुआ ना, तो बच्चे भी हुए, इसलिए मुरली में पूछा है, कहा है उन ब्राह्मणों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, बेसिक वालों से या दुनिया वालों से। तुम अपन को ब्राह्मण कहते हो तो तुम्हारा जन्मदाता ब्रह्मा कहाँ है, कहेंगे सूक्ष्म बतन में, तुम कहाँ से टपक पड़े, तुम्हारा ब्रह्मा सूक्ष्म बतन में, तुम भी सूक्ष्म बतन में जाओ। ब्राह्मण साकार सृष्टि पर होते हैं या सूक्ष्म बतन में होते हैं, है? साकार सृष्टि पर होते हैं, तो ब्रह्मा भी कहाँ चाहिए, साकार सृष्टि पर चाहिए, साकार में चाहिए। और इस्लामी को महाकाम बोला है, इस्लामी महाकाम, लेकिन जो हिंदुओं की राजा जितनी रानियों की रखती है, हिंदुओं की राजा राजा ढेर के ढेर रानी रखती है ना बाप, तब वो वहां का भी होना चाहिए ना। हाँ, हिंदू कौन बनते हैं, दूसरे धर्म वाले हिंदू बनते हैं या नहीं बनते हैं, बनते हैं बाप, उन्हें हिंदू कहा जाता है। निजाम को 500 रानियों का गायन है, निजाम हैदराबाद, दूसरा कोई राजा है हिस्ट्री में जिसको इतनी रानियों का गायन है, है? रानी पद्मिनी के राज्यकाल में बताया गया कि हजारों जौहर कर गई, जो हजारों जौहर कर गई वो किसी एक राज्य में थी या अलग अलग राज्यों में थी, एक राज्य में थी, तो जिस एक राज्य में थी उस राज्य का जो राजा है कंट्रोलर है वो ही हो गया देवी से देवता समान सनातन धर्म का मुखिया। और प्रजापिता वाले कामी कांटा बनता है वो तो कलयुग के अंत में, अंत में जब बाप आ जाते हैं तब, क्योंकि बाप खुद विदेशी बनकर के आते हैं, विदेशी बनकर के बाप ना आए तो तुम बच्चों से मिल नहीं, विदेशी बच्चों से मिल भी नहीं सकता। प्रजापिता की पार्थ प्रत्यक्ष होती है सबकी बात है, बाप नंबर वन काम का, हाँ जी, इसके पहले नहीं, पहले कैसे, पहले तो सन 36 में भी है, क्या वहाँ है सन 36 में नंबर वन कामी का काटा कहे, 76 की बात आ रही है, नंबर वन पतित पने का ग्रहण कब लगता है, पिता वो नंबर वन ग्रहण नहीं है, संपूर्ण ग्रहण नहीं है, महाशिवरात्रि नहीं है, 1976 सिर्फ बौद्धिक रूप से रात्रि है या संपूर्ण रात्रि है, संपूर्ण रात्रि है, महाशिवरात्रि नहीं कहेंगे, महाशिवरात्रि कब कहें, जब सारी दुनिया माने 500-700 करोड़ अज्ञान अंधकार में आ जाए,
ब्राह्मण कहने वाले जो बेसिक ब्राह्मण है वो भी अंधकार में आ जाएं, एडवांस में रहने वाले वो भी अंधकार में आ जाएं। मतलब सारी दुनिया एक तरफ और एक तरफ, उस समय का बात, उस समय की बात हुई। महाशिवरात्रि कब कहेंगे? महाशिवरात्रि तो कब हुई? अंत माने कब? वो जरूर अंत सो आदि, आदि है संबत एक 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 कृष्ण की आत्मा तो इससे तो गीता की भगवान सूक्ष्म बोले इससे आत्मा इसके पहले बात वो टाइम कौन सा हुआ? 2000 जब महान अंधकार की रात्रि होगी सारी दुनिया में। 2018 की बात 2018 वहीं से शुरू होगा संबत एक एक एक, वहीं पर सेकंड होगा। और एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं। ब्रह्मा की रात्रि ब्राह्मणों की रात्रि, सो ब्राह्मणों की रात्रि, फिर क्या हो जाता है? ब्रह्मा का दिन, दिन हो जाता है। ब्राह्मणों की दिन वास्तव में ब्रह्मा का दिन नहीं कहेंगे, विष्णु का दिन कहेंगे। और पालना लेने के कारण सूत पुत्र है। कैसा सूत और वरदान दिया सूर्य ने ब्रह्मा को, तो वरदान किसने लिया और वरदान देने वाला कौन? कोई मनुष्य आत्मा है या सुप्रीम सोल है? सुप्रीम सोल है। तो सुप्रीम सोल सूर्य हो गया प्रजापिता के द्वारा, वो जन्म लिया सूर्य पुत्र, फिर पालना किसने की? जिन्होंने पालना की वो हो गए सूत। सूत अर्थात रथ को हाँकने वाले, अर्थात दास दासी। ब्रह्मा की पालना, ब्रह्मा को कंट्रोल करने वाले आदमी कौन थे? वो पहले पिता ही माँ बाप, वो ही हो गए सूत। प्रैक्टिकल में पालना उनसे मिली, किस शब्द से बोला जो पीयू की वाणी कही गई, पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे, 10-15 पेज लिखते थे अमृत वेले, बाप लिखाते थे और बाप लिखाते थे इसके द्वारा, इसके द्वारा लिखाते थे 47 से पहले से जो आदि, जो आदि माताएं थी, तो वो माताएं तुलसी का रूप थी या लक्ष्मी का रूप थी? हाँ जी, तो ये निम्न जाति की तो तुलसी का पद आंगन में दिया जाता है, ये अंदर बेडरूम में दिया जाता है, नहीं लगी है बाहर में, तो बाहर दास दासी ही तो बैठते हैं। और
जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ यूनिटी होती है। बोला है रुद्रमाला में कोई भी दिल से मिले हुए नहीं है। तो जहाँ देखने में यूनिटी दिखाई दे रही है रुद्रमाला में, उसको प्योरिटी से यूनिटी कहा क्यों कहा जाए? रुद्रमाला के मणकों में प्योरिटी है या शिव बाबा आया हुआ है इसलिए यूनिटी है? शिव बाबा आया है इसलिए। ज्ञान की सूत्र की जनता पार्टी में भी, जनता पार्टी सन 76 से शुरू हुई थी ना, रुद्रमाला में भी जो बेहद की जनता पार्टी है कि अज्ञानता पार्टी कहेंगे, जनता पार्टी है, वो जनता पार्टी में एक अटल बिहारी वाजपेयी के आधार पर सारी पार्टी खड़ी हुई थी या कोई दूसरे के आधार पर खड़ी हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी है, अटल बिहारी वाजपेयी एक के आधार पर खड़ी हुई थी। यहाँ भी सारी रुद्रमाला का ठाट एक शिव बाबा के आधार पर चल रहा है, ज्ञान के सूत्र के आधार पर, ज्ञान के सूत्र में सब बंधे हुए हैं, प्योरिटी के सूत्र में नहीं कहेंगे, एक दूसरे से दिल मिले हुए नहीं हैं, शिव बाबा के प्यार से मजबूरी से बंधे हुए हैं। इसलिए रुद्रमाला प्योरिटी से बंधा हुआ सूत्र नहीं है। काहे से बंधा हुआ सूत है? ज्ञान के सूत से बंधा हुआ सूत है। माला में भी दो धागे होते हैं, दोनों धागे मिलकर के एक धागा बनाया जाता है, ये भी ज्ञान का धागा है और याद का धागा है, प्योरिटी का धागा। जितनी प्योरिटी होगी उतना बाबा की याद आएगी, प्योरिटी धारण नहीं करेंगे बाबा की याद भी उड़ जाएगी। और हाँ जी, शिव बाबा तो एक बड़ा धोबी है, मतलब जो गौतम बाबा की जो अवधर्मों की ग्रुप होती है उसमें सूर्यवंशी की पहली होती है ऊंची ऊंची है, ऊंची रुद्रमाला में सूर्यवंशी जो ऊंची बोटी है सबसे, कौन? सूर्यवंशी। हाँ जी, मतलब उनको जास्ती धोना पड़ता है ना बाप, क्योंकि वही जास्ती पतित बनने वाले हैं। हाँ, मतलब जो सूर्यवंशी की बोटी में आने वाला है उनको जास्ती ज्ञान सब बना, ज्ञान लेने के लिए डोस ज्यादा ज्ञान जल डाला ज्यादा धारण करना पड़ता है उनके, जैसे जास्ती डोस पैदा होते हैं ना बहुत। हाँ जी, उनको जास्ती मना डोस यानी प्रश्न आते हैं ना बहुत बाप से क्लैरिफिकेशन लेने के लिए। हाँ जी, इसका मतलब यही है बहुत। हाँ हाँ, जो जन्म जन्मांतर के सूर्यवंशी आत्माएं हैं, सूर्यवंश के पक्के हैं, वो ज्यादा जन्मों में बाप के साथ रहेंगे या दूसरे धर्म वालों के साथ रहेंगे? बाप के साथ रहेंगे, इसलिए उनको संशय आएगा ही नहीं। जो कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में चले गए, दूसरों का संग का रंग लग गया, उनके अंदर दूसरा खून आ गया, औरों के संकल्पों का खून पड़ गया, इसलिए उनको संशय भी ज्यादा आएंगे।